जी हाँ बच्चों, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही देखा, भारत सरकार आपकी 30% फीस कम कर सकती है। जी हाँ बच्चों, किस प्रकार से कर सकती है और क्यों करनी चाहिए, आज का हमारा वीडियो बच्चों उसी टॉपिक पर बेस्ड है। जी हाँ बच्चों, हो सकता है कुछ लोगों को हमारी वीडियो पसंद ना आए, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का समर्थन रहा तो इस वीडियो को बेटा काफ़ी ज़्यादा वायरल कीजिएगा, क्योंकि आज का हमारा विषय ही कुछ ऐसा है। बच्चों मेरा एक पॉइंट है कि भारत सरकार ने बेटा स्कूलों की फीस माफ़ अभी तक नहीं की है, ना ही उस विषय में कोई कानून निकाला है। लेकिन बच्चों भारत सरकार ने, जैसा कि आप जानते हैं, अभी लास्ट मंथ एक महीने पहले लगभग, कि जितने भी स्कूल थे बेटा, चाहे वो CBSE हो चाहे स्टेट बोर्ड से एफिलेटेड हो, सभी स्कूलों का लगभग 30% बच्चों, यानी कि 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर एक बात निकल कर आती है कि जब सभी स्कूल आज के दौर में ये बात कहने जा रहे हैं और इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनके स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपर चल रही हैं। जी हाँ बच्चों, अगर सभी स्कूल ये दावा कर रहे हैं कि उनके स्कूलों में अप्रैल से ही, यानी कि नए सेशन से क्लास कंप्लीट चल रही है, तो आखिर भारत सरकार को अपना 30% सिलेबस क्यों कम करना पड़ा, चाहे वो सेंट्रल बोर्ड हो या आपका बच्चों स्टेट बोर्ड हो, सभी बोर्ड्स ने अपना लगभग 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है। तो बच्चों ये दोनों बातें एक दूसरे को कट करती हैं, इसका मतलब बेटा गवर्नमेंट भी ये मानती है, सरकार भी ये मानती है कि कहीं ना कहीं स्कूल ऑनलाइन क्लासेस कंप्लीट तरीके से फॉलो नहीं करा पा रहे हैं, या ऑनलाइन क्लासेस की एफिशिएंसी बच्चों कम होती है। तो पहला पॉइंट तो ये है बच्चों कि अगर भारत सरकार ने 30% सिलेबस कम किया है, तो कम से कम बच्चों से सभी स्कूलों की लगभग जो मंथली फी होती है वो 30% कम कर देनी चाहिए, पॉइंट नंबर वन बेटा। पॉइंट नंबर टू, तो बेटा पॉइंट नंबर टू ये निकल कर आता है कि इससे स्कूलों को भी कोई खास नुकसान होने वाला नहीं है, ना ही कोई उन्हें ज़्यादा लॉस होने वाला है। क्यों बेटा? क्योंकि आप जानते हैं कि स्कूलों में बच्चों के ना जाने से स्कूलों के काफ़ी सारे खर्चे बच्चों कम हो गए हैं, जैसे स्कूलों का इलेक्ट्रिसिटी बिल। जी हाँ बच्चों, स्कूलों में बच्चों के रहने से इलेक्ट्रिसिटी बिल और ना रहने से बहुत बड़ा अंतर होता है, ये एक बहुत बड़ा खर्चा होता है। दूसरा बच्चों, जैसे ड्रिंकिंग वाटर का या मान लीजिए वॉशरूम का, तो बच्चों बहुत सारे जो स्कूलों के खर्चे हैं वो काफ़ी हद तक सीमित हो चुके हैं, यानी कि स्कूलों को भी इसमें कोई खास लॉस नहीं है, वो भी 30% अगर फीस कम करना चाहें तो कर सकते हैं। पॉइंट नंबर तीन बेटा, पॉइंट नंबर तीन ये निकल के आता है बेटा, स्कूलों का खर्चा तो जैसे कि कम हो गया है, मैं बता चुका हूँ, लेकिन बच्चों आप लोगों के पेरेंट्स का या आप लोगों की फैमिली का या जितने भी अभिभावक हैं उन सभी की फैमिली का बच्चों खर्चा बढ़ गया है। कैसे बच्चों? मान लीजिए किसी की फैमिली में दो बच्चे हैं, तो उन दोनों बच्चों को अगर हमें पढ़ाना है, ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करानी है, तो बच्चों कम से कम एक स्मार्टफोन, वैसे तो दो की ही नीड होगी अगर दो घर में बच्चे हैं, दो स्मार्टफोन कंप्यूटर या लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होगी। तो बच्चों पहला खर्चा तो ये बढ़ गया है कि एक एक्स्ट्रा स्मार्टफोन या लैपटॉप आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है। दूसरा, उसका जो मंथली बेटा इंस्टॉलमेंट होता है, या आप ये कहें कि उसका जो मंथली आपका रिचार्ज होता है, जैसे नेट का रिचार्ज समझ लीजिए बच्चों, उसमें इंटरनेट पैक जरूर होना चाहिए, तो इंटरनेट पैक का भी बच्चों खर्चा बढ़ गया है, घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बढ़ गया है, तो बहुत सारे खर्चे आप लोगों के बढ़ चुके हैं। यानी कि बच्चों तीन पॉइंट मैंने आपको बताए, तीनों आपको क्लियर हो गए हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं और इस बात को इतना शेयर करें कि ये भारत सरकार तक पहुँच सके। तो पहला पॉइंट था बेटा मेरा कि सभी स्कूलों की लगभग 30% फीस कम हो जानी चाहिए, इसके तीनों पॉइंट बेटा मैंने आपको बताए कि पहला पॉइंट भारत सरकार ने 30% सिलेबस कम कर दिया है, इसका मतलब सरकार भी कहीं ना कहीं ये मानती है कि स्कूल 30% अपना सिलेबस कम कवर कर पाएंगे, यानी कि 30% तो काम बेटा कम होगा। दूसरा, स्कूलों का खर्चा भी लगभग 30% से 40% तक कम हो चुका है। पॉइंट नंबर तीन, पेरेंट्स का या अभिभावक का खर्चा 30% से 40% बढ़ चुका है, तो कहीं ना कहीं ये जो पेरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनकी फैमिली पर ये एक्स्ट्रा बर्डन है। तो पॉइंट नंबर वन तो बेटा मेरा ये था कि लगभग सभी स्कूलों को अपनी 30% फीस कम कर देनी चाहिए। तो अगर आपको मेरा पॉइंट समझ में आया तो बेटा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पॉइंट नंबर टू बेटा मेरा, तो पॉइंट नंबर टू ये है बेटा कि मिनिमम 30% फीस कम कर देनी चाहिए, लेकिन बच्चों मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम स्कूलों की 50% फीस भी कम कर देनी चाहिए, या जरूरत पड़े तो 70-80% तक भी फीस कम कर देनी चाहिए। क्यों कर देनी चाहिए, आइए बच्चों मैं आपको समझाता हूँ। तो मेरा बेटा पॉइंट ये है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्वे किया और मैं अपने फील्ड में, टीचिंग फील्ड में बेटा काफ़ी लंबे समय से हूँ, तो मैंने लगभग बेटा 15 स्कूलों के आंकड़े लिए अपने आसपास के, और जितने भी मेरे टीचिंग स्टाफ है जो कोरिलेट करता था, उन सभी की सूचनाओं के आधार पर मैंने एक लिस्ट तैयार की है बेटा। तो मैंने ये पाया बेटा कि ऑनलाइन क्लासेस के दौर में लगभग 50% स्कूल आज भी ऑनलाइन क्लासेस ऑन नहीं कर पाए हैं, यानी कि लगभग 50% स्कूल में, विद्यालयों में ऑनलाइन क्लासेस ही नहीं चल रही हैं।
बचे बेटा 50%, उनमें से लगभग जो 25-30% स्कूल हैं वो केवल बच्चों अपने फोटो शेयर कर देते हैं, इमेज शेयर कर देते हैं, यानी कि 25% स्कूलों में केवल व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा फोटो शेयर किए जाते हैं। अब आप खुद ही समझदार हैं, सरकार भी जानती है कि कहीं ना कहीं साइंस जैसे विषय या मैथ जैसे विषय को ऑडियो के माध्यम से या इमेज के माध्यम से समझ पाना बहुत कठिन है, यानी कि वो भी ऑनलाइन क्लासेस प्रॉपर नहीं चला पा रहे हैं। इनमें से बच्चों केवल 5% विद्यालय ऐसे हैं जो अपनी ऑनलाइन क्लासेस चलाने में थोड़े से सक्षम हैं। तो मेरा सरकार से ये अनुरोध है आप लोगों के माध्यम से, अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे तो ये बात आप लोगों की बहुत आगे तक जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक होंगे। बेटा मेरा यहाँ पर पॉइंट ये है कि जब स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चला ही नहीं रहे हैं तो किसी स्कूल की फीस, सभी स्कूलों की 30% फीस तो कम कर देनी चाहिए, लेकिन जिन स्कूलों में आज तक भी ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल पाई हैं उनकी फीस 50-70% या 80% जितनी भी ज़रूरत हो वो कम कर दी जाए, यानी कि एक जांच कमेटी बनाई जाए, एक जांच समिति बनाई जाए जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में वर्क करे और सभी स्कूलों का जो डेटा है या सभी स्कूलों से आंकड़े लिया जाए कि उन्होंने कितना परसेंट सिलेबस कवर कराया है और किस तरीके से कराया है। अगर स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चला ही नहीं रहे हैं या केवल फोटो के माध्यम से समझा रहे हैं तो मैं समझता हूँ बेटा उन्हें फुल फी लेने का भी कोई अधिकार नहीं है, यानी कि उनकी फीस भी कम कर देनी चाहिए। दूसरा पॉइंट बेटा यहाँ पर ये आता है कि जो मैं बात कर रहा हूँ कि 5-10% स्कूल, उनमें बच्चों जो ऑनलाइन क्लासेस फॉलो करा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बच्चों के फ्यूचर से या बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। जी हाँ, देश के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। एनसीईआरटी के बच्चों जो गाइडलाइन है, जो एचआरडी मिनिस्ट्री की गाइडलाइन से जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा सुझाव दिए थे अपने, लगभग 14 जुलाई को ये उन्होंने अपने सुझाव दिए थे ऑनलाइन क्लासेस को लेकर, जिनमें ये बताया गया था कि प्री नर्सरी तक की जो क्लासेस हैं उनमें केवल मैक्सिमम 30 मिनट का एक सेशन होना चाहिए ऑनलाइन, 30 मिनट से ज़्यादा किसी भी दिन ऑनलाइन क्लासेस उनकी नहीं होंगी। तो जो स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं वो इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं और फर्स्ट से लेके बच्चों जो 8th क्लास हैं उनके लगभग 30-45 मिनट के केवल 2 सेशन चलेंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो मोबाइल पर 1 घंटा या 1.5 घंटा बिता सकते हैं। वहीं बच्चों जो सीनियर क्लास हैं अप टू 12th क्लास तक, उनके बच्चों 30-45 मिनट तक के केवल 4 सेशन चलने चाहिए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 और 3 घंटे। लेकिन बच्चों जो स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बच्चों को सुबह 8 बजे से लेकर और शाम तक की कोई लिमिट नहीं होती है, जब उनका मन करता है वर्क भेज देते हैं, जब उनका मन करता है वीडियो सेंड कर देते हैं। तो बच्चों आप कहीं ना कहीं देश का भविष्य हर तरीके से खतरे में, पहला कि आर्थिक बोझ पड़ रहा है, दूसरा सरकार को ये जो गाइडलाइन बनाई गई हैं इन्हें फोर्सफुली फॉलो कराना चाहिए, यानी कि इनको परमिशन देनी चाहिए इस तरीके से फॉलो कराया जाए जिससे सभी स्कूल इसका पालन करें। पॉइंट नंबर 3 बेटा, यहाँ तक मैंने बता दिया बच्चों कि आप लोगों की 30% फीस कम होनी चाहिए मिनिमम, जितने भी स्कूल हैं सभी स्कूलों की 30% फीस कम हो जानी चाहिए, लेकिन एक जांच कमेटी बनाई जाए जिसके आधार पर यह तय किया जाए कि जिन स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस अभी तक नहीं चल पा रही हैं उनकी फीस बहुत ज़्यादा कम कर दी जाए, या उन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचिए जिनकी ऑनलाइन क्लासेस इस तरीके से चल रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, लास्ट जो मेरा 3rd पॉइंट है वो ये है कि अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो यकीन मानिए बच्चों कि आज आप इस देश के सबसे भाग्यशाली या सौभाग्यशाली छात्र हैं या बच्चे हैं जो भी आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, क्योंकि बच्चों एनसीईआरटी ने अभी हाल ही में सर्वे किया है 3 दिन पहले, और उस सर्वे में उसने जो सेंट्रल स्कूल हैं उनका, केंद्रीय विद्यालय है उन पर, और सीबीएसई स्कूल यानी कि बच्चों जो शहरी इलाकों में स्कूल होते हैं जनरली उन पर स्टडी किया है, और लगभग 34,000 छात्रों पर उन्होंने अपना ये सर्वे किया है, और उस सर्वे में ये बात निकल कर सामने आई है कि लगभग 27% छात्र ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन या लैपटॉप या कंप्यूटर तक नहीं है, यानी कि हमारे देश के 27% छात्र, वो भी बच्चों शहरी छात्र, अगर ग्रामीण की तरफ जाएं तो ये जो रेशो है और थोड़ा सा बढ़ जाएगा। मैं केवल उनकी बात कर रहा हूँ जो सक्षम है, जो शहरी क्षेत्र हैं, उन शहरी क्षेत्रों में भी लगभग 27% छात्र जो हैं वो इस तरीके के हैं जिन्हों आज भी स्मार्टफोन की पहुँच से या लैपटॉप की पहुँच से या कंप्यूटर की पहुँच से दूर हैं। दूसरा पॉइंट बेटा, जिनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उनका ये मानना है, उनके पेरेंट्स का ये मानना है कि उनमें से 28% लोग इस तरीके से हैं कि जो लाइट की कट जाने से या वहाँ प्रॉपर लाइट ना आ पाने से क्लास प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं, या नेट की वजह से या इंटरनेट की वजह से प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है या इंटरनेट की बहुत ज़्यादा कमी है।
और बच्चों सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि ऑनलाइन क्लास तो छोड़िए कि आज का जो यूथ है, जो आज के स्टूडेंट हैं, उनमें से जो शहरी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ बेटा मैं बार बार, कि जो आपके रूरल एरियाज हैं उनमें लगभग 50% बच्चे ऐसे निकल कर आए हैं जिनके पास किताबें भी नहीं है, यानी कि ऑनलाइन तो पढ़ना दूर है, आज जो छात्र हैं वो ऑफलाइन पढ़ने को भी तरस गए हैं। जी हाँ बच्चों, आप सोचिए कि ऐसे लोग या ऐसे बच्चे जिनके पास ऑनलाइन पढ़ने का साधन नहीं है, वो ऑफलाइन बुक भी नहीं परचेज कर पा रहे हैं, 50% छात्र ऐसे हैं जो एनसीईआरटी ने सर्वे किया जिनके पास बुक नहीं है। आप कहेंगे बच्चों कि ई बुक मिल जाती है पोर्टल पर, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ बेटा जिनके पास स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है वो ई बुक भी कैसे परचेज कर पाएंगे या कैसे अगर वो फ्री हैं तो फ्री में देख सकेंगे। तो बच्चों कहीं ना कहीं आज के इस दौर में दो लेवल बन गए हैं, एक लेवल बच्चों जिनके पास आज स्मार्टफोन नहीं है उनकी शिक्षा या उनका फ्यूचर बच्चों वो बिल्कुल एक तरीके से मतलब बेटा डाउन अर्थ में जा रहा है, और दूसरा जो ये खर्चे सहन कर सकते थे लेकिन बेटा उनकी भी लिमिट है। तो हमें आज उन लोगों की भी आवाज़ बनना है जो लोग आज स्मार्टफोन नहीं है जिनके पास किसी भी तरह की ऑनलाइन क्लासेस लेने की सुविधा नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से भारत सरकार तक ये बात पहुंचाई जाए कि जिससे वो ऐसे छात्रों के बारे में भी सोचे जिनके पास स्मार्टफोन या जो आज ऑनलाइन क्लासेस लेने में सक्षम नहीं है, साथ ही साथ 30% सिलेबस कम कर दिया जाए सभी स्कूलों का। और दूसरी बात कि अगर किसी स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं, प्रॉपर नहीं चला पा रहे हैं वो स्कूल, तो या तो उन स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जाए या उन स्कूलों पे कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए जिससे वो स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चलाएं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बिल्कुल लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को इतना वायरल करें जिससे सभी लोग जागरूक हो सकें और एक किसी भी मंच पर इस आवाज़ को बुलंद करें। और यकीन मानिए कि अगर आज आप हमारा साथ देंगे तो सभी स्कूलों की लगभग 30% फीस तो हर हाल में कम होगी, और जिन स्कूलों में क्लास नहीं चल रही है उनकी फीस बेटा लगभग 100% तक कम करने की कोशिश की जाएगी। अगर आप गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाएंगे, सरकार पर प्रेशर बनाएंगे, दबाव डालेंगे, तो भारत सरकार को हमारे हक में भी फैसला लेना ही होगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद बच्चों।